तो दोस्तों आज हो गई है 17 अक्टूबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, कृषि कानून पर आशंकाएं दूर करने की जगह आवाज दबाने से और भी भड़के किसान। पीएम मोदी का पुतला फूंक तेज करेंगे आंदोलन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि बिलों ने एक बार फिर से यह बात सामने लाई है कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह राज्य केंद्र व्यवस्था को कमजोर कर रही है। राज्य सरकारों, विभिन्न राजनीतिक दलों, यहां तक कि किसान संगठनों से विचार विमर्श किए बिना ही केंद्र सरकार ने खेती किसानी से संबंधित पहले अध्यादेश जारी किए और बाद में संसद में विपक्ष का मुंह बंद कर कानून पास करवा लिए। लेकिन यह दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन से केंद्र की सांस अटक गई है। इन दोनों ही राज्यों को भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों को अपने राज्य में लागू नहीं करने से संबंधित कानून बनाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा भी कर दी है। तो वहीं हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन ने इस बार दशहरे में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंकने की बड़ी घोषणा की है और यहां पर अब दिन पर दिन तेज होता जाएगा किसान आंदोलन और मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है किसानों के बीच। दोस्तों अगर आप लोग भी मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवा दीजिए दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा से गठजोड़ तोड़ने के बाद देश की राजनीति में बड़ा धमाका करने जा रहा है अकाली दल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के मुद्दे पर भाजपा के साथ गठजोड़ तोड़ने के बाद अकाली दल अब बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अकाली दल अगले 2 हफ्तों के दौरान महागठजोड़ का ऐलान कर सकता है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, अकाली दल के द्वारा डीएमके शरद पवार, बीजू जनता दल, टीडीपी ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी से संपर्क किया जा रहा है। इसके लिए अकाली दल के द्वारा 4 सदस्यीय तालमेल कमेटी का गठन भी किया गया है। इसकी जानकारी अकाली दल के सीनियर नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने दी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है, देश की राजनीति में बड़ा धमाका करने जा रहा है अकाली दल। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है। हाथरस पर कही है बड़ी बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बलिया कांड व बाराबंकी कांड पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार गुंडों की सरकार हो गई है। भरी पंचायत में अपराधी पुलिस अधिकारी व एसडीएम की मौजूदगी में गोली चला देता है। आए दिन कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे साबित होता है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं है। इसलिए सीएम योगी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जब विधायक और सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है तो ऐसी ही घटनाएं होती हैं। तो वहीं हाथरस केस पर यहां पर संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली ट्रांसफर किया जाए ये केस। हाथरस पीड़ित परिवार अगर दिल्ली आना चाहता है तो उनके रहने की सारी व्यवस्था हम करने को तैयार हैं। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार बोले, सारे मदरसे बंद कर दीजिए पर 6 करोड़ हिंदुओं को दे दे नौकरी और 15 लाख, पीएम का वादा याद दिला करके जमकर के भड़के हैं असीम वकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब सरकार बनाई थी तब कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और वहीं 15-15 लाख रुपए सबको मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि इस हिसाब से 6 साल में 12 करोड़ नौकरियां हो गई। आप 6 करोड़ हिंदुओं को ही नौकरियां दे दीजिए, मुसलमानों को मत दीजिए। 6 करोड़ हिंदुओं को ही 15-15 लाख रुपए दे दीजिए, फिर आप सारे मदरसे बंद कर दीजिए, एक भी मदरसा खुला मत छोड़िए। कोई मदरसा खुला रहा तो मैं खुद बताऊंगा। ये यहां पर देख सकते हैं कि तंज भरे लहजे में मोदी सरकार को लिया है यहां पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने निशाने पर।
क्योंकि लगातार बीजेपी के द्वारा देश भर में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम में दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है बीजेपी की तरफ से, हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसी को लेकर के यहां पर AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने तंज कसा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें, राफेल डील को लेकर के देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने परिकर का वीडियो किया है शेयर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 4 राफेल विमानों का दूसरा बेड़ा अगले 4 सप्ताह में भारत पहुंच सकता है। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने राफेल डील को लेकर के मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसके लिए वह मोदी सरकार के मंत्रियों के बयानों की वीडियो शेयर कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, वरिष्ठ वकील व सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के वीडियो को शेयर किया है, जिसमें वह राफेल विमान डील के दामों का खुलासा कर रहे हैं। अपने ट्वीट में प्रशांत भूषण लिखते हैं, मोदी के रक्षा मंत्री रहे पर्रिकर कह रहे हैं कि प्रति राफेल विमान की कीमत 700 करोड़ होगी और सभी अतिरिक्त साजो सामान के साथ 126 विमानों की कीमत 1,00,000 करोड़ होगी, जो UPA की डील थी, लेकिन मोदी ने इसे बदल करके 36 विमानों के लिए 60,000 करोड़ या 1,600 करोड़ में एक राफेल का सौदा किया, लेकिन मोदी कहते हैं कि उन्होंने सस्ते में हासिल किया है। ये यहां पर देख सकते हैं कि एक बार फिर से प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और राफेल डील में बड़े घोटाले का लगाया है सीधे तौर पर आरोप। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, दिल्ली दंगा, हाई कोर्ट ने जी न्यूज को लगाई है कड़ी फटकार। पूछा, अभियुक्त का इकबालिया बयान आपको कहां से मिला है? आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट ने जी न्यूज चैनल को फटकार लगाते हुए उससे दिल्ली दंगों के एक अभियुक्त के कथित बयान का सोर्स बताने के लिए कहा है। कोर्ट ने चैनल को एफिडेविट फाइल कर इस जानकारी को देने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों जामिया छात्र आसिफ इकबाल को दिल्ली दंगों में हुई हिंसा से जुड़े मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। जी न्यूज ने बताया था कि आसिफ ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को आयोजित करने और उकसाने की बात कबूल की है। हालांकि पुलिस का दावा है कि किसी भी पुलिसकर्मी ने केस से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक नहीं की है। उल्टा पुलिस को लगता है कि मीडिया में इस तरह के दावों और जांच की जानकारी लीक होने से केस पर असर पड़ेगा। इसी पूरे मामले पर आसिफ ने दिल्ली हाई कोर्ट में मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे दावों के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब यहां पर हाई कोर्ट ने जी न्यूज से उसके चैनल पर चलाए गए बयानों का सोर्स मांगा है और कड़ी फटकार भी लगाई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राज्यपाल और बीजेपी से बोले संजय राउत, आप कितनी भी कोशिश कर लें महाराष्ट्र सरकार हिलने वाली नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मंदिरों को खोले जाने को लेकर के चर्चा चल रही है। इस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं, जिसपे उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनका सबसे पहला कर्तव्य लोगों की जान को बचाना है, ना कि हिंदुत्व पर किसी से सर्टिफिकेट लेना। तो वहीं इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने की मांग केंद्र सरकार से कर डाली है। संजय राउत ने कहा है कि यह देश हिंदुत्व से नहीं बल्कि संविधान से चलता है, जो कि सेकुलर है। केंद्र सरकार यह तय करे कि कोरोना काल के बीच मंदिरों को लेकर राष्ट्रीय नीति क्या होगी। पीएम मोदी यह ऐलान कर दें कि आज से देश के सारे मंदिर खुलेंगे तो हम भी खोल देंगे, हम प्रधानमंत्री के द्वारा दिया आदेश जरूर मानेंगे। भाजपा शासित कई राज्यों में भी अभी तक मंदिर नहीं खुले हैं। महाराष्ट्र में यह सब एक राजनीति के तहत किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इस सब से हिलने वाली नहीं है। ये यहां पर दो टूक कहना है संजय राउत का, और इस दौरान संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर कसा है तंज। कहा, महिला सुरक्षा की स्थिति विचलित करती है और मुख्यमंत्री का फोटो सेशन चालू है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी अपराधों की हालिया घटनाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में महिला सुरक्षा की हालत विचलित करने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री का फोटो सेशन चल रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, जंगल राज कायम हो चुका है। हर दिन ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं जो योगी सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करती है। इसी पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिला सुरक्षा की ये दुर्गति
विचलित करती है। सीएम साहब को इस पर स्पेशल सेशन करने का समय नहीं है। हाँ, फोटो सेशन चालू है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों के सामने एक तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सेशन में व्यस्त है, लेकिन कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, टाटा देती है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल चंदा। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राजनीतिक चंदा पाने में भारतीय जनता पार्टी से आगे कोई दूसरी पार्टी नहीं है। साल 2018-19 में बीजेपी को 698 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को केवल 122.5 करोड़ रुपए मिल सके। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बड़ी जानकारी दी है। 2018-19 के दौरान राजनीतिक दलों को चंदा देने में टाटा ग्रुप सबसे आगे रहा है। कॉरपोरेट से राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा बढ़ता ही जा रहा है। 2004-12 के बीच कॉरपोरेट से पार्टियों को जितना चंदा मिला, साल 2018-19 में उसमें 131% की बढ़त देखने को मिली है। ये यहाँ पर दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। और राजनीतिक चंदा पाने में बीजेपी से आगे कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला बोले, कोई भी सरकार हमेशा नहीं रहती है, हम इंतजार करेंगे, पीएम मोदी से भीख नहीं मांग रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती है, हम इंतजार करेंगे। उमर अब्दुल्ला का रिहाई के बाद ये पहला इंटरव्यू था। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। ये यहां पर कहना है उमर अब्दुल्ला का। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के